दोस्तों कैसे हैं। आज हम आए हुए हैं द्वारका और ये है बसंत एवं महोत्सव होली मेला जो कि द्वारका में लगा हुआ है सेक्टर 11 में। और यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका पड़ जाएगा द्वारका का सेक्टर 11। और यहाँ पे 31 मार्च तक ये जो है मेला चलने वाला है। और यहाँ पे फिश टर्मिनल सबसे बड़ा फिश टर्मिनल है जो कि इंडिया का पहला मेला है ऐसे, और ये पहली बार लगा हुआ है यहाँ पे। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर आए देखें, और 31 मार्च तक ये चलेगा। और हम आपको पूरा वीडियो में जितना जो भी है सब चीज़ें हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। और ये हमारे पीछे देख रहे कितनी बड़ी फिश है, ऐसे ही अंदर रियल की फिश है। और ये मेला शाम को 5 बजे से रात 12 बजे तक के चलता है। और यहाँ सबसे पहले आपको पार्किंग मिल जाती है, बाइक का 50 रुपये, कार का 100 रुपये। उसके बाद मेले का कुछ नज़ारा इस तरह से है। ये मेले की बाउंड्री और ये मछली इतनी बड़ी दिख जाएगी आपको पहले से ही। रात में लाइट जलती है बड़ी गजब की लगती है। अभी तो हम पहले आ गए हैं 6 बजे ही, अभी उजाला में रात में अभी दिखाऊंगा लाइट कितनी बेहतरीन लाइट होती है। छोड़ लिया यार, हम लोग को पार्किंग वाला आदमी, हम लोग परेशान हो जाते हैं। अरे यार ये ना उधर आते हैं ना उनके, ये एंट्री करते ही कुछ इस तरह का नजारा है। इसी के साथ में टिकट काउंटर भी यहाँ पे मिल जाता है। और ये हमारा टिकट है, 100 रुपये टिकट है इसका। और ये हमने एंट्री कर लिया है अंदर, अब चल रहे हैं अंदर फिश टर्नल के अंदर, जो टर्नल बना हुआ है वाटर फिश का उसके अंदर हम चल रहे हैं अभी। ये कुछ इस तरह से यहाँ से एंट्री है, ये तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। इसमें देखो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, इसमें इस सबसे पहला खाना है, इसमें कलरफुल मछली डाली है छोटी छोटी। और ये देखो कितना बेहतरीन कलर में सारी मछलियाँ हैं, कि छोटी छोटी कितनी अच्छी लगती है, बहुत खूब। जैसे केकड़ा नहीं होता उस तरह की मछली है, झींगा है। और ये पता नहीं कौन सी मछली है, इसके पंख देखो कितने कैसे हैं। और ऐसे जेब्रा मछली भी इसमें है, रेड वाइट। और यहाँ पे देखो ये लाल और ब्लैक, इसमें लग रहा है जैसे कोई डिजाइन सी बनी है। कई तरह की मछलियाँ हैं इसमें। और ये जेब्रा मछली है, जेब्रा की तरह है, पूरी जेब्रा मछली, पूरी जेब्रा की तरह है देखने में, देख सकते हो पूरा जेब्रा है, ये जेब्रा मछली कहा जाता है इसे। ये इस मछली का तो कोई पता नहीं कौन सी मछली है, समुद्री मछली है। और इसके चोंच देखो जैसे क्रोकोडाइल का होता है उस तरह से है, पूरा क्रोकोडाइल की तरह इसका मुंह है। ये देखो पूरा उसी तरह है सेम। पतंग तरह है मछली, पतंग है, पतंग मछली पूरी पतंग तरह, झुंडी पूरी बना रखी है, ये पतंग होती सेम उसी तरह है, ये झुंड में ही रहते हैं। देखो सारा झुंड ही है जहाँ इकट्ठी है। ये पतंग की तरह है पूरे। ये देखो कितनी बड़ी है, ये पता नहीं कौन कौन सी मछली है यहाँ। बहुत सारे बच्चों को बहुत मजा आने वाला है अगर आएंगे यहाँ तो।
ये भी कोई मछली, पता नहीं कौन सी है मछली, जैसे वो उसमें कौन सी मछली कहते हैं उसकी तरह है पूरी मछली। देखने में तो छोटे छोटे हैं मगर अच्छी लगती हैं बहुत। पूरा झुंड ही है इनका भी, ये देखो यहाँ इकट्ठी हो रखी है नीचे, वाइट ब्लैक ग्रे तीन चार कलर इनमें है। और देखो कितना, अभी आगे और मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ हैं यहाँ टर्मिनल में। एक ही मछली है बहुत पतली है, देखियो क्या कर रही है, कागज इतना पतली है। ये पता नहीं कौन सी मछली है, पूरा लाल ही लाल है सारी मछलियाँ, लाल लाल इनकी आंखें देखो कैसे हैं, पूरा कैमरे की तरह इनकी आंखें देखकर कैमरा बनाया गया था, इनकी आंखों को ही देखकर उसी तरह से कैमरा भी डिजाइन किया जाता है। इसी तरह के बहुत फिश यहाँ पे लगे हुए हैं, 6 राउंड बनाए गए हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा टर्मिनल है। ये देखो वाटर टर्मिनल, ये पानी के अंदर अंदर जाना है, कितना लंबा है, ये शीशे से बना रखे हैं चारों तरफ से गोल सा, उसमें से होके जाना है। ये देखो किस तरह से बनाया है, बहुत भीड़ है। इतनी छोटी छोटी मछली है, जो वहाँ थे वो सारी मछलियाँ यहाँ डाली गई। इसका मुँह देखो चिपका हुआ है पूरा, कैसे इकट्ठी हो रही, सारी यहाँ इकट्ठी हो रखी मछली। बहुत बड़ा टर्मिनल है, पर कितनी बड़ी है, एक ही अरे बड़ी हां, ये भी मेरा सवाल कर ले, सबका नहीं है, सबका नहीं है। कितनी बड़ी है, बाकी ये देखो लाइन से कितनी, यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है, देखो बड़ी मछली इसके साथ जा रही है।
कितनी बड़ी कम से कम 2.5 फुट की है, सो रही है भी 2.5 फुट से कम नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी है, मालूम है सो रही पूरी। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी है, 2.5-3 फुट की मछली है। ये देखो ये मगरमच्छ की तरह मुंह है इसका। और अब ये बाहर आ गए मेले में, जैसे नॉर्मल मेला होता है उस सब चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। ये सामने सबसे पहले आपको 20 रुपए वाला सेल दिख जाता है, जो बच्चों की चीजें हैं, काफी वैसी चीजें। घर में यूज होने वाली चीजें यहाँ पे है साफ सफाई के। आप इसे कपड़े को पकड़ के देखिए ना, इसमें चिकनाई नहीं रहेगी, गंदा पानी फिर भी साफ हो गया। आप इसे साफ में डालोगे जल्दी हो जाएगा। ये बन टिकेगा। और यहाँ पे सेल लग गया है 100 रुपए का लेडीज सामान। हेयर ऑयल का ऐड लगा रखे हैं, तेल बाल बढ़ाने का। फिर बॉम्बे भेल पूड़ी यहाँ पे मिल जाता है, मिस्टर लिटिल मिल जाते हैं यहाँ पे, सब खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। पॉपकॉर्न मिल जाता है यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, कोको हब मिल जाता है, साहू जी के फेमस छोले भटूरे यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे तंदूरी चाय मिल जाती है, अयोध्या की स्पेशल तंदूरी चाय। तीस रुपए की मिल जाती है चाय आपको। यहाँ पे स्मोक बिस्कुट मिल जाता है 50 रुपए के दो। मथुरा वृंदावन की मशहूर मटका लस्सी यहाँ मिल जाती है। यहाँ आपको अमेरिकन भुट्टा मिल जाता है, सॉरी कर्नल, स्वाद हो तो ऐसा फूड कर्नल यहाँ पे मिल जाता है। मसाला डोसा, पनीर डोसा, प्लेन डोसा, वनी डोसा, बहुत सारे डोसा यहाँ पे हैं। यहाँ सिकंजी, लेमन चुस्की, उड़वाला मन सोडा, चुस्की, अब तो गर्मी आ गई अब यहाँ मिल ले सकते हैं चुस्की, लेमन सोडा, सिकंजी। यहाँ मिल जाता है रिंग डालने वाला छल्ले, और इधर बॉल डालने का है। बॉम्बे वड़ा पाव मिल जाता है यहाँ पे, पाव भाजी, दाबेली, वड़ा पाव, बर्गर, इधर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। एफिल्स टावर बना रखे हैं सेल्फी लेने के लिए, ये देखो
तो घर कितनी दिख रहे हैं, एफिल्स टावर है। एक राइड के 50 रुपए। खाने पीने की चीजें तो हो गई, अब हम आपको झूलों के बारे में बताते हैं। झूले यहाँ पे जो लगे हुए हैं उनके बारे में बताते हैं, कितने कितने का टिकट है। और ये है ड्रैगन झूला, ये 100 रुपए इसका झूले का टिकट है। बच्चों के झूले 50 रुपए में, छोटे झूले जो हैं बच्चों वाले वो 50 रुपए हैं, बाकी बड़े झूले जो हैं वो 100 रुपए के हैं टोटल। सब हम आपको बड़े झूले भी दिखाते हैं। अब ये देखो इसकी भी 100 रुपए राइड है। बड़े वाले झूले का भी टिकट 100 रुपए है। इसी के झूले के साथ में कंसोर्ट भी यहाँ मिल जाता है। इस झूले का भी टिकट 100 रुपए है। ये नाव वाला भी है, इसका भी 100 रुपए टिकट है। नाव वाला भी झूला है। पूरा मेले का नजारा कुछ इस तरह से है।